उत्तर प्रदेश के बांदा में आज फिर एक बार रफ्तार के कहर ने एक जान ले ली। रोड क्रॉस कर रहे व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके चलते मौके पर ही व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद से गुस्साए ग्रामीणों ने झांसी मिर्जापुर हाईवे पर जाम लगा दिया। जैसे ही मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस व प्रशासन को लगी तो मौके पर पहुंच मामले का संज्ञान लेते हुए जाम खुलवाने का काम किया। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के गिरवा थाना क्षेत्र के महुआ गांव का है, जहां आज सुबह तेज रफ्तार चार पहिया वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह ये घर से निकलकर रोड क्रॉस कर रहा था, तभी अचानक पीछे से आ रहे चार पहिया ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। जैसे ही घटना की जानकारी ग्रामीणों को लगी तो तत्काल गुस्साए ग्रामीणों ने सड़कों पर उतर कर झांसी मिर्जापुर मार्ग पर जाम लगा दिया। घंटों जाम के बाद जब घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस व प्रशासन को लगी तो मौके पर पहुंच मामले की जांच की, और काफी मशक्कत करने के बाद पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझा कर जाम खुलवाने का काम किया। वहीं जानकारी देते हुए उपजिलाधिकारी ने बताया कि आज सूचना मिली कि महुआ गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम लगा दिया था। जैसे ही हम लोगों को जानकारी मिली तो मौके पर ग्रामीणों को समझा बुझा कर जाम खुलवाया गया और मृतक परिवार को आर्थिक मदद दिलाने का भी प्रयास किया जाएगा। संवाददाता फयाज खान की रिपोर्ट। सर अभी यहाँ पर जाम लगा हुए थे, कुछ लोग क्या मांगे थे उनकी? एक पार्वती पत्नी जागेश्वर, उम्र लगभग 45 वर्ष की, आज एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। किसी अज्ञात बोलेरो वाहन के द्वारा उसको चोट लगी है, इससे मृत्यु हो गई है। किसी के मृत्यु के संदर्भ में ही लोगों द्वारा जाम लगाया गया था और मेरे द्वारा जो है रोड के जाम को खुलवा दिया गया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और उसके अलावा जो भी आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी वो महुआ ब्लॉक में पार्वती पत्नी जागेश्वर नाम की एक महिला थी, जो यहाँ राशन की दुकान पे गई थी राशन लेने। समझो दुर्भाग्य से किसी बोलेरो से उसकी टक्कर हो गई और उसकी मृत्यु हो गई है। उसी मृत्यु के संबंध में लोगों द्वारा यहाँ रोका गया था, मेरे द्वारा जाम खुलवा दिया गया, लाश को पोस्टमार्टम करा के उनके स्कूल में भेज दिया गया और अज्ञात वाहन के खिलाफ एफ आई आर भी गया।